अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देख, मैं तुझसे बड़ी हूँ लेकिन फिर भी मैंने ही तुझे सबसे पहले विश किया है। सिर्फ 2 मिनट बड़ी है, ठीक है? और तूने मुझे सबसे पहले विश नहीं किया। तो जीजू ने किया है क्या? उनकी यादाश्त वापस आ गई? वो भी आ जाएगी लेकिन मुझे सबसे पहले विश करने वाले वो रहे। देख, मम्मी पापा ने विश किया है। अच्छा जूही, बहुत रात हो गई है, चल गुड नाइट। और कल मैं घर पर भी आऊंगी, दादू दादी से मिलूंगी, साथ में केक भी काट लेंगे, ठीक है? जूही को मलिश्का बाबी की डेथ के बारे में पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी। रूही, चल गुड नाइट, बाय एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। रूही सुन, आज रोही मैडम का बर्थडे है। चल अच्छी बात है, नहार को तो याद है नहीं और बाकी किसी को तो याद मैं आने दूंगी नहीं। कल अपने बर्थडे के दिन एक टॉफी भी नहीं खा पाएगी बेचारी। हैप्पी बर्थडे। ये बर्थडे का कार्ड, ये फ्लावर्स, ये किसने भेजे मेरे लिए? किसी को तो घर में पता भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। सॉरी नहारी, क्या आप एक बार और सर टकरा लेंगे? नहीं तो हमारे भी झगड़ा हो जाएगा, प्लीज। हैं? और मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? कुछ भी, ये फूल किसके लिए? हैप्पी बर्थडे का? किसका बर्थडे? वो बा यहाँ क्या? मैंने गलती से यहाँ का एड्रेस डाल दिया। किसका बर्थडे है? ना जी, वो मेरा बर्थडे है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, रूही भाभी और जूही का बर्थडे तो एक ही दिन होता है। भैया वो मुझे पता चला कि आज रूही जी का बर्थडे, तो ये बर्थडे कार्ड और बुके मैंने मंगवाया उनके लिए। थैंक यू समर भैया। हैप्पी बर्थडे रोही जी। हैप्पी बर्थडे रोही जी। थैंक यू समर भैया। हैप्पी बर्थडे रोही। पता चली गया कि आज रोही का बर्थडे है। आज समर ने मुझे एहसास दिलाया कि घर का स्टाफ भी परिवार के सदस्य की तरह ही होता है, और इसलिए आज रूही का बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो अब घर में नौकरों का भी जन्मदिन मनाया जाएगा।
आज इसका जन्मदिन मना रहे हो, कल माली चौकीदार सबका जन्मदिन मनाना। दादी रूही अग्नि का कितना ख्याल रखती है, और मेरा करोड़ों का नुकसान होने से उसने बचाया है। बाकी किसी का तो नहीं पता, लेकिन रूही का बर्थडे आज बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगा। नाजी रहने दीजिए, आपने इतना कह दिया मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू। अरे सेलिब्रेट करने दीजिए ना रूही जी, वैसे भी इतने दिनों से घर में कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हुआ है, इसी बहाने एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। भैया सही कह रहे। तो डन, आज की शाम रूही के नाम। यस। मैं भी देखती हूँ कैसे इसका बर्थडे मनता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये सुबह सुबह कहाँ चली गई लड़की? एक मिनट एक मिनट, ये कुछ चिट चिट सा है जो चिपका के गई है टेडी पर, पढ़ दो। सॉरी दादी, मैं घर से भागी नहीं हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी पहला केक रूही के साथ ही काटूंगी। हाँ, बड़ी हंसी आ रही है ना आपको? जूही घर से भाग गई, आपको बहुत हंसी आ रही है। एक बात बताइए, जब निहार ऐसे घर से भाग जाता था तब तो बहुत गुस्सा होते थे आप, अब क्या हुआ? पूनम, हमारा निहार अपने बर्थडे के दिन पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए भागता, जबकि हमारी जूही भागी है अपनी बहन के साथ बर्थडे मनाने के लिए, पहला केक काटने के लिए। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन आज भी दोनों बहनों में प्यार वैसा का वैसा ही है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। सच में मेरा दिल तो यही जानकर खुश है। ये तो बात है दादू, क्यों ना हम भी रूही जी को सरप्राइज देने गोयनका हाउस चले, रूही को बड़ा अच्छा लगेगा। प्रतीक के पापा और पिंकू को अभी भी नाहर जी की याददाश्त जाने वाली बात पता नहीं है, अगर ये वहाँ गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे वाह, ये बहुत ही बड़ी आइडिया है, वहीं जाकर दोनों से केक कटवाते। चलो 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 चल 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 चलो 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 चलो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी नाहर जी, कुछ काम था? नहीं, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? खोल के देखो। जी। हाँ, वो उस दिन तुमने साड़ियों का ऑर्डर तैयार करने में मेरी इतनी मदद की, इसलिए ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू नाहर जी। आई होप कि तुम्हें ये पसंद है। बहुत सुंदर है नाहर। अग्नि, तुम्हें नीचे डेकोरेशन देखने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा। खुश हो जाएगी, तो टेंशन में क्यों आ गई? ये सब क्या है, और तू ऐसे खिड़की से कूद कर छुप कर क्यों आई है? ओ ये सब छोड़, पहले ही हो जाए, चल केक काटते हैं। जो है पर अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।